वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। सेना में रहकर देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हुए गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर देवराज सिंह अब अपने साथ हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के लिए मैदान में कूदे हैं। धोखाधड़ी करने का सीधा आरोप है भाजपा नेता व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह पर। आरोप है कि पैसे मांगने पर न सिर्फ उन्हें धमकी दी गई बल्कि जो कंपनी मैसर्स ईसा डेवलपर्स एंड बिल्डर बनाई गई थी उसे 2013 में खत्म बताते हुए कोर्ट में दस्तावेज दाखिल कर दिए गए। ऐसे दस्तावेज जो 2020 में राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए थे। जो स्टैंप पेपर 2020 में जारी हुए उन पर 2013 में कोई विक्टन डीट कैसे बनाई जा सकती है। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर का कहना है कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, उन्हें सरकार, न्यायालय व पुलिस पर पूर्ण भरोसा है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वह सेना में रहते हुए कई जंग लड़े हैं और अब अपने अधिकार व साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि कई पार्टी बदल चुके मनिंदर पाल सिंह के लिए भाजपा जैसी राष्ट्रभक्त पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ जमीन कब्जाने व फर्जी बैनामे कराने जैसे संगीन धारों में कई वायद दर्ज हैं। वहीं जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह का कहना है कि यह जीजा साले के बीच का विवाद है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस विघटन डीड की बात की जा रही है वह भी कोर्ट में साले प्रमोद कुमार ने लगाई है। इससे ज्यादा वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर देवराज सिंह ने आज मीडिया और फर्स्ट बाइट से मुलाकात की, आइए देखते हैं। मेरा नाम ब्रिगेडियर देवराज सिंह है। 2007 में मेरी पत्नी, मेरी सासू माता और हमारे और दो रिश्तेदारों ने मिलके ईशा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स नाम की एक कंपनी मिस्टर मनिंदर पाल के साथ खोली थी। उसमें मनिंदर पाल जी की तरफ से उनके अलावा तीन और पार्टनर थे और इस प्रकार मेरी पत्नी और हमारे साइड के पार्टनर और मिस्टर मनिंदर पाल और उनकी साइड के पार्टनर उसमें 50-50% की हमारी भागीदारी थी। हमने रुड़की रोड पे जहाँ पे कि अभी ईशा अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वहाँ ज़मीन खरीद कर 52 अपार्टमेंट्स बनाए थे और 6 दुकान बनी हैं वहाँ। ये कंस्ट्रक्शन 2013-14 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से हम लगातार उनसे पैसे मांगते आ रहे हैं पर उन्होंने ना तो हमारा कैपिटल ही वापस किया और ना हमें प्रॉफिट दिया। 9 फरवरी 2021 को हम उनसे मिलने आए थे और उस दिन हमने कहा कि जी आज हम अपना हिसाब किताब कर और अपना जो भी हमारा हिस्सा बनता है वो लेकर ही जाएंगे। और अंत में उस दिन उन्होंने अपने सही कलर दिखा दिए, अपना सच्चा व्यक्तित्व दिलाया, हाथ पैर तोड़ने की, जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि आज के बाद यहाँ मत दिख जाना नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस बीच में हमने पुलिस से सहायता मांगी, मैं एडीजी साहब से भी मिला था, उन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। जब ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उन्होंने एक बैक डेट में फर्जी विघटन डीड बनाई 31 मार्च 2013 की तारीख में और कोर्ट में जमा कर दी डिक्लेरेटरी सूट पास करने के लिए कि ईशा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स नाम की कंपनी 31 मार्च 2013 को बंद कर दी गई है और ये अभी अस्तित्व में नहीं है, इसके कोई एसेट अभी नहीं हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका हिस्सा उनके भाग के मुताबिक या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के मुताबिक दिया जा चुका है। आरटीआई डाल के हमने वो जो स्टैम्प पेपर यूज़ हुए थे उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि 2 स्टैम्प पेपर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस मेरठ से 18 नवंबर 2020 को इशू किए गए थे स्टैम्प वेंडर मिस्टर अर्जुन
गोयल को। मनेंद्र एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, क्या उसका प्रभाव भी आपको इन सारे पूरे मामले में दिखाई दे रहा है? मैं मनेंद्र पाल सिंह से जो मिला था वो मेरे साले साहब ने ही मिलवाया था, उनकी बहुत बड़ाई करते थे, पर अब चूंकि हम पिछले 7-8 महीने से यहाँ भटक रहे हैं तो हमें भी उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है जिस तेज़ी से, उस तेज़ी से तो पार्टियाँ बदलते हैं। सुना पहले वो BJP में थे, फिर वो BSP में गए, फिर वो SP में गए, SP से वापस BJP में आ गए। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो वाकई में बीजेपी में हैं तो BJP एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और BJP में ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है। तो मुझे अपने देश की न्याय प्रणाली पे, अपनी पुलिस पे, योगी जी के प्रशासन पे और BJP पार्टी पर पूरा भरोसा है। पता चला है 50-60 मुकदमे इनके ऊपर रहे हैं, 20-25 लोगों ने जो बेचारे कमज़ोर हैं ऐसा आए हैं वो समझौता ऑलरेडी कर चुके हैं इनसे, जो उनको दे दिया उन्होंने ले लिया, मरता क्या ना करता वाली बात है। लेकिन मैं अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करूँगा, और मैं पहले देश के लिए लड़ा था, आज अपने लिए भी लड़ रहा हूँ, और मैं उन लोगों के लिए भी लड़ना चाहता हूँ जो लोग इनके शिकार हो चुके हैं और आगे शिकार होंगे। उधर जब इस बारे में भाजपा नेता मनेंद्र पाल से बात की गई तो उनका यही कहना था कि वैसे तो यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उन्हें अपना कोई पक्ष नहीं रखना है, जो भी वह कहना चाहेंगे वह कोर्ट में कहेंगे, लेकिन यह पूरा विवाद जीजा देवराज व साले प्रमोद कुमार का है, उन्हें बिना वजह घसीटा जा रहा है। वहीं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर देवराज सिंह का कहना है कि अगर यह साले जीजा का विवाद है तो केस संख्या 303 में मनेंद्र पाल सिंह क्या कर रहे हैं, जो प्रमोद व मनेंद्र पाल सिंह ने दायर किया है, यह दर्शाते हुए कि 2013 में कंपनी का विघटन हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी नज़र, आप देखते रहिए FirstBite.TV, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।